जय अकाल बच्चों, आज हम लोग सामाजिक आर्थिक पुस्तक की चैप्टर एक विविधता की समझ का भाग दो पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि किस तरह विविधता होते हुए भी हम लोगों में दोस्ती हो सकती है, जिसमें मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, निशान और निशान अहमद। निशान और निशान अहमद अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन गए। इसी तरह हमारे अगल बगल भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनके खान पान और रहन सहन अलग अलग होंगे। इसी तरह हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं, तो पंजाब के लोग मक्के की रोटी पसंद करते हैं, और पश्चिम बंगाल के लोग मछली खाते हैं, तमिलनाडु केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली डोसा सांभर खाते हैं। हमारे रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। बिहार में जहाँ छठ धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं बंगाल में दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, झारखंड में सरहुल और केरल में ओनम, आंध्र प्रदेश में इसी तरह इडली की महत्ता है और पंजाब में लोहड़ी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। भारत के निवासी अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज पर त्यौहार को दर्शाते हैं। इसी तरह हमारे बिहार में भी विभिन्न जिले हैं, जैसे कि मिथिलांचल, भोजपुर, आरा, पटना। इनकी भी संस्कृतियाँ अलग अलग हैं और यह हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। यहाँ के लोग जब दिल्ली मुंबई जाते हैं तो उन पर भी वहाँ की संस्कृति का प्रभाव पड़ता है और कुछ न कुछ बदलाव देखने को अवश्य मिलता है। इसी को आगे हम देखते हैं अध्याय में कि अच्छे से समझने के लिए लेखक ने एक छोटी सी कहानी बताई है चार दोस्तों की, नवीन, रफी, शालिनी और रॉबी। ये सभी आवासीय विद्यालय नौवीं के छात्र होते हैं। नवीन हिंदी बोलता है, रफी उर्दू बोलता है, शालिनी पंजाबी बोलती है और रॉबिन अंग्रेजी बोलता है। एक बार होली की छुट्टियों में नवीन सभी दोस्तों को अपने घर बुलाता है। सभी धूमधाम से रंग लगाते हैं और अबीर खेलते हैं। फिर जब जारों की छुट्टियां होती हैं तो रॉबिन क्रिसमस पे सभी दोस्तों को बुलाता है। सभी आपस में बल्ब लगाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, नाच गाना करते हैं। सुबह होती है, रॉबिन के पिताजी से बच्चों ने पूछा कि आखिर हम लोग अलग अलग क्यों हैं, तो रॉबिन के पिताजी बताते हैं कि हम लोग चाहे अमीर हों या गरीब हों, छोटे हों या बड़े हों, सभी को मिलजुल कर त्यौहार का आनंद लेना चाहिए। यह विविधता ही हमें एक सूत्र में बांधती है और हम लोगों को एक अवसर प्रदान करती है। अध्याय में आगे जाने पर हम देखते हैं कि एक पिकनिक का सारांश दिया हुआ है। आप लोग भी पिकनिक पर जाते होंगे स्कूल से। इसी तरह मध्य विद्यालय सारंगपुर भोजपुर के
मध्य विद्यालय सारंगपुर भोजपुर के बच्चे भ्रमण पर राजगीर जाते हैं। वहीं वेणुवन से सहरसा के मध्य विद्यालय नोहट्टा के छात्र भी राजगीर पहुंचते हैं। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में आपस में बात करते हैं और सहरसा के बच्चे मैथिली में एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों को एक दूसरे की भाषा सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है। एक दल ने दूसरे दल से पूछा कि आप लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि हम लोग सहरसा से आए हुए हैं, इसलिए मैथिली भाषा में बात कर रहे हैं। तब खाना खाते समय शिक्षक ने बताया कि हमारे बिहार में ही हिंदी के अलावे भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका भी बोली जाती है। हमारे भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हम लोग बहुभाषी हैं। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यह भाषाएं हमारे विविधता को समृद्ध बनाती हैं। वहीं हमारे समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ के कारण भेदभाव, असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़ संवर्गों एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों का भी हो सकता है। विविधता को परखने के लिए हम लोग आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। आप लोग इस तरह से तालिका बनाएं और प्रत्येक राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं को नाम इंगित करके लिखने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद।